हाय, गुड मॉर्निंग. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. और आज बहुत बड़ी एक खुशखबरी ये है कि लाल बाबू तो नहीं आए, पर हमारे नए कारीगर हमें मिल गए हैं और इन्होंने आज से काम शुरू किया है. तो अब जल्दी ही काम पूरा हो जाएगा. क्या नाम है आपका? सुलेमान जी हैं. तो इन्होंने कहा कि कर देंगे, तो 3-4 दिन 5 दिन जो भी लगेगा. अब हमारा ड्राइंग रूम की पेंटिंग पूरी हो जाएगी और फिर आगे काम बढ़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से, 1 महीना से तो हम लाल बाबू का इंतज़ार कर रहे थे. और सर, मुझे बहुत बुरा लगा. खैर, चलिए कोई बात नहीं है, उसका भी काम बहुत ज़रूरी था. सुलेमान मियाँ ने अब ये काम संभाल लिया है, तो ये काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा. एक नया दिन और एक नई सुबह और नई ऊर्जा आ गई है, क्योंकि सब चीज़ अब सही सही होने लग गया है. तो ये पुट्टी नहीं लग रही है ना इसमें? तो जो पीओपी कराया था, तो इसमें पुट्टी तो नहीं लगनी थी? पुट्टी अब लगेगी इसके ऊपर से. अच्छा, इसके बाद अब लगेगी पुट्टी? जी, पेंट बनाएंगे, पुट्टी बनाएंगे, वो लगेगी इसमें. तो अभी क्या आप लगा रहे हैं? प्राइमर है ये. अच्छा, ये प्राइमर लगा रहे हैं. जो प्राइमर लगने के बाद पुट्टी लगती है? जी. अच्छा, ताकि वो चूस होती है ना इसके पीओपी में. अच्छा 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 अच्छा, वो दब जाती है इसकी. ओके ओके ओके. अब क्या है ना कि काम शुरू हो गया ना पेंटिंग का, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि अब जल्दी से मेरा घर जो है पूरा संभल जाएगा. क्योंकि बहुत टाइम से मैं पजल हो रही थी कि कहाँ का सामान कहाँ रखूँ. तो चलिए, आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, तो वो काम हो जाएगा. साथ साथ में मल्टीपल काम चलते रहते हैं ऑफिस के अलावा, जो है घर में इतने सारे काम होते हैं. तो बहुत दिनों से मैंने DIY नहीं किया था. अब जो कल के वीडियो में मैंने DIY डाला है, वो चूड़ी बॉक्स बना के, बहुत ही वाकई में खूबसूरत लग रहा है. और आप सबने इतना सारा उसके लिए प्यार दिया, इतना सारा कमेंट आया है अच्छा अच्छा कि सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ. और साथ साथ में और भी काम चल रहे हैं, जैसे कि ये ऊन वाली मैं जो चादर सोफ़ा थ्रो बना रही थी, तो ये काफ़ी बुन गया है. देख लिए, पहले भी मैंने शायद आपको दिखाया है, तो ये अच्छी खासी इसकी लंबाई हो गई है. फिर भी अभी मुझे और इसमें चाहिए था, तो 1 किलो ऊन पहले मैंने मंगवाया था. 1 किलो का तो मैंने ये बुनाई पूरी कर ली थी. अब 1 किलो ऊन और लेकर के आई हूँ मैं, और उसका बैठ करके पहले मैंने ये बॉल बनाया है. और धीरे धीरे जितने भी है पहले बॉल बना के रख लूँगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ख़त्म हो जाता है तो फिर मुझे बॉल बनाना पड़ता है. तो पहले इस बार मैं क्या करूँगी कि सारे पूरे 1 किलो ऊन का बॉल बना लूँगी, फिर इसमें बुनाई शुरू करूँगी. और उसके साथ साथ कुछ बॉटल्स मैंने दिखाया था, कुछ शूज़ बॉक्स मैंने रखे थे, तो बॉटल से कुछ DIY करते हैं. तो चलिए, अब हमारे साथ मिल करके आप सब देखते रहिएगा और बताते रहिएगा कि हाँ हाँ, ठीक ठीक, अच्छा है, सेटअप अच्छा हो रहा है. और मैं DIY करती रहूँगी, आपकी अपने साथियों की तरफ नज़रें उठा उठा कैसे देखती रहूँगी, तो मुझे खुशी होती रहेगी कि आप सब देख रहे हो और मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा. तो चलिए DIY शुरू करते हैं. अपनी इस DIY के लिए मैंने लिया एक शू बॉक्स खाली जो था, और एक खाली ग्लास बॉटल. उसे अच्छे से वॉश कर लिया था बॉटल को, और ड्राई कर लिया था. और ये शू बॉक्स जो है, इसमें मुझे 2 शूज के बॉक्स मुझे चाहिए थे. और क्योंकि अगर आपके पास शूज़ बॉक्स मुझे चाहिए थे, अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपके पास दूसरे तरह का कार्डबोर्ड है, तो आप उससे काम चला सकते हैं. पर मेरे पास शू बॉक्स ही थे, तो इसलिए मैंने इसी को कट करके और बनाया. सबसे पहले उसके बेस बनाने की ज़रूरत थी, तो डबल ट्रिपल करके मैंने ये स्टेयर्स केसेस की तरह जो है 3 लेयर में इसे तैयार किया और एक ही साइज़ का किया. और इस तरह से ग्लू से मैंने इसको चिपका के ये सबसे पहला मेरा काम था, बेस बना लिया. इसके बाद जो बॉक्स साइड में बनाना था, उसकी तैयारी करनी थी. चूँकि मैंने शू बॉक्स लिया था, तो उसके लिए मुझे 3 तरफ से अटैच नहीं करना था, सिर्फ जो चौथा बॉक्स बनाना था मुझे, उसके लिए फ्रंट साइड के लिए मैंने अलग से एक डब्बे का कवर लिया, उसको कट कर लिया उस साइज़ में. अब इसमें मुझे बनाना था विंडो वगैरह, जो भी विंडो डोर वगैरह बनाना था, तो वो मैंने टेप से नाप करके एग्जैक्टली और उस तरीके से नाप डाल लिया, और डाल करके स्केच कर लिया था पेन से उसे डिज़ाइन करने के बाद मैंने 3 तरफ विंडो दिया था. बैक साइड में बिल्कुल बंद रखा था. और उसके बाद मैंने ये नाइफ़ लिया, चूँकि मेरे पास कटर नहीं है, तो नाइफ से मैंने इसे
धीरे धीरे स्लोली सबको पूरे विंडो और जो डोर थे उसे कट करके निकाल लिया। अब बारी थी उसके अंदर मुझे इस बॉटल को फिक्स करने की, तो बॉटल को मैंने सेंटर में बिल्कुल ले जा करके फिक्स कर दिया। अब हमारा पूरा जो शू बॉक्स था तो दो तरफ तो विंडो वगैरह बना दिया था, और फ्रंट वाला जो मैंने कट किया उसे उसके अच्छे से चिपका दिया। जब ये चिपका दिया तो अच्छा सा बॉक्स तैयार हो गया। अब जो बेस बनाया था उसके ऊपर जब मेरा ये कैसल का फॉर्मेट तैयार हो गया तो उसके ऊपर से जो मुझे लगाना था वो मैंने तिकोना कट करके लगा दिया था। यहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई ड्यू टू बहुत आना जाना हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का जो पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा था। खैर फिर इसे मैंने कॉर्नर पे ये लगा दिया उसको और मजबूत करने के लिए, और ऊपर की तरफ मैंने ये देखिए इस तरीके से मुझे इसके जो पतला वाला पोर्शन चाहिए था तो इसलिए थोड़ा सा हाथ से मैंने इसे रगड़ के किया, तो जो इसके लाइनिंग वाला पोर्शन होता है ना वो चाहिए था मुझे। लास्ट इसको फाइनल ऊपर शेप देना है तो इस तरह से मैंने ये कागज़ ले लिया है, इसको कोन बना लिया है, कोन के जैसा बना लिया है, और इसको मैं अभी चिपका लूँगी ग्लू से। अब ये जो कोन बनाया है इसको मैं इस पर चिपकाऊंगी नहीं, इसे इसी तरीके से मैं छोड़ दूंगी। और यहाँ पे जो एक बिल्कुल बिना भूले हुए जो हमें एक प्रक्रिया करनी है वो ये है कि आपके पास अगर किसी तरीके का लाइट है, इसके अंदर लाइट डालना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस तरह के अगर बल्ब हैं छोटे तो अभी लाइट डाल करके और ये तार बाहर की तरफ निकाल लीजिए, या फिर बैटरी ऑपरेटेड है वो आप डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये फिक्स करना है तो आप इसी स्थिति में डाल दीजिए, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो ऊपर वाला टिप वाली जो चीज़ आप बनाएंगे ना उसको आप उसमें फिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि फिक्स कर देंगे तो फिर लाइट लगाना मुश्किल होगा। तो मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ, सारी पेंटिंग वगैरह करने के बाद इसे पेंट करके और इसके ऊपर से रख दूंगी, इसी में लाइट वाली जो बैटरी ऑपरेटेड लाइट आती है वो इसके अंदर डाल के बॉटल के और फिर उसके ऑन करके इसके ऊपर से ऐसे रख दूंगी, तो ये ढक्कन की तरह हो जाएगा। अब ये किला जो कैसल है वो तो मेरा बन गया था, अब इसके सराउंडिंग में मुझे एक बाउंड्री देने की ज़रूरत थी। मैंने सोचा पहले कि इसे लकड़ी से आप बना करके लगा सकते हैं, पर मेरे पास वो जो कार्डबोर्ड बचा हुआ था मैंने उसी से उसे एक शेप में कट करके पहले छोटी बाउंड्री मैंने डाली। मैंने कहा कि छोटी बाउंड्री डाल के देखती हूँ, तो जो बेस मैंने बनाया था ना स्टेयर केसेस वाला उसके सराउंडिंग में मैंने इसे लगा दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पर अगर थोड़ा सा और इसे मजबूत करती हूँ तो इस पर डबल कर देती हूँ, और जो सेकेंड वाला जो डबल करने लगी तो उसको थोड़ा सा और मैंने ऊंचाई दी उसको, तो इसकी वजह से जब मैंने ऊंचाई दे दी ना तो ये इतना और खूबसूरती इसकी बढ़ गई, बहुत अच्छा लगने लग गया। अब इस तरीके से मेरा पूरा कैसल का जो ढांचा था वो बिल्कुल तैयार हो चुका था, मतलब ढांचा क्या तैयार हो चुका था, हम चाहे तो ऐसे भी इसे रख सकते थे, पर नहीं, मुझे इसे बहुत ही खूबसूरती से पेंट करना था। आप देखिए, अब मैंने पेंटिंग की तो मैंने कहा कि चलो कैसल ऑलवेज लोग जो है ब्लैक गोल्डन ऐसे शेड बना देते हैं, मैं कुछ अलग रंग में बनाना चाह रही थी और मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन, तो सबसे पहले मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट लिया और उसमें डार्क ग्रीन जो बॉटल ग्रीन कलर आता है ना वो थोड़ा सा मैंने दो तीन ड्रॉप मिक्स करके और एक लाइट ग्रीन कलर बनाया। तो मैंने कहा कि पहले लाइट ग्रीन से पूरे कैसल का वो बेस दे देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा जो डार्क ग्रीन ग्रीन पुराने कैसल्स होते हैं किले आपने देखे होंगे तो कहीं कहीं ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देता रहता है, तो मुझे वो वाला मेरे माइंड में चल रहा था कि उस तरह से देना है। खैर पहले मैंने बेस बनाने के लिए ये जो लाइट ग्रीन मैंने तैयार किया था इससे पूरे अपने कैसल को मैंने बहुत अच्छे से बारीकी सी पेंट कर दिया। उसके बाद इसके कुछ पोर्शन को मैंने डार्क ग्रीन जो ओरिजिनल कलर था ग्रीन का उससे पेंट किया, जैसे कि अगर बारिश होती है पानी गिरता है तो कुछ कुछ पोर्शन आपने देखा होगा जो पुराने किले होते हैं उनके डार्क डार्क ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, तो वो माइंड में लेकर के मैंने पेंट किया। अब ये फाइनल हो गया था, अब इसमें लाइट डालना था मुझे, तो लाइट डालने के लिए बस ऊपर का मैंने आपको बताया था कि उसको मैं डिटैच ही रखूँगी, बिल्कुल फिक्स नहीं करूँगी, उसे हटाया और जो बीच में बॉटल डाला था उसके अंदर मैंने लाइट डाल दी, और लाइट डालने के बाद आप रिजल्ट देखिए। अब साथियों फाइनल लुक इसका देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत, पूरे कमरे की लाइट ऑफ कर दी है और अब
इसकी लाइट आपको दिखाई दे रही है, देखिए चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत। आप भी ऐसा बना सकते हैं। और आपने देखा कि मैंने एक खाली ग्लास की बॉटल थी और शूज के बॉक्सेस थे, उसी से मैंने ये पूरा तैयार किया है। तो साथियों, भी उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये DIY जो मैंने बड़े ही प्यार से जतन से बनाया और आप सबको बताया कि सिर्फ और सिर्फ इसमें खाली एक ग्लास बॉटल है और उसके अलावा जो बाहर से पूरा इसको जो पूरा कैसल मैंने बनाया, किला बनाया है, ये शूज़ के बॉक्स से बनाया है मैंने। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर। मुझे पता है कि बहुत ही अच्छा आप लोगों को लग रहा है, तो लाइक कर दीजिए ना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। शेयर कीजिए, देखिए कि घर के वेस्ट मटेरियल से कल जो चूड़ी बॉक्स मैंने बनाया था वो भी बहुत सुंदर बना था और ये भी बहुत ही खूबसूरत बना है। तो बताइए कि वेस्ट मटेरियल से कितना क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं और अपने घर को सजावट के लिए खूबसूरत सी चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का बहुत सारा आप सब ख्याल रखिएगा। कल आपसे होती है मुलाकात। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।